काफी लोग बोलते हैं कि डेली कॉलेज क्यों नहीं जाती क्यों नहीं जाती। कुछ बोलना चाहोगे मैम? तो अभी दोस्तों हमारी क्लासेस हो चुकी है यहाँ पर, तो अभी दोस्तों मुझे मिल चुकी है यहाँ पे सानिया मैडम। यही रीजन है यार, कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाती हूँ। 3:30 हो गया है तो सुबह से अब जाएगा मेरे पेट में खाने करने वाला। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधुमेश्वर घाटी में और अपनी मधुमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ कॉलेज। कॉलेज का गेटअप नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट दिखाती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो काफ़ी टाइम के बाद आज कॉलेज जाने का क्या विषय हो सकता है? कुछ भी विषय नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है। कभी कभी तो कॉलेज जाना बनता ही है ना, कभी कभी तो कॉलेज जाती हूँ मैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो मैं सड़क में जाती हूँ, कोई भी गाड़ी बस मिलेगी तो उसमें चलती हूँ। आप बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तो मेरी कॉलेज यूनिफॉर्म कुछ ये है, पूरी नहीं पहनी, चुन्नी नहीं डाली क्योंकि जैकेट पहना है, ठंड का टाइम है। तो आईडी कार्ड भी मैंने आज ही लेना है, अभी तक लिया नहीं मैंने आईडी कार्ड। तो चलते हैं कॉलेज। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ गाड़ी बस जो भी आएगी। तो अब 8:30 बजे वाली बस भी आने वाली है, उससे पहले कोई गाड़ी आएगी तो देखते हैं। वैसे मेरी बस में थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो देखते हैं क्या होता है। अगर उससे पहले कोई गाड़ी आती तो ठीक है, नहीं आती तो फिर 8:30 भी होने वाला, तो बस ही में चलते हैं। जय माता रानी की दोस्तों। तो ये है हमारे यहाँ पे कुलदेवी कालिंका माँ का मंदिर। सदा माँ कालिंका माँ आप सभी पर कृपा बनाए रखे और मुझ पर भी कृपा बनाए रखे मेरी माता रानी। और नारायण। तो अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ ओंकारेश्वर मार्ग में। तो यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी है 500 मीटर और यहाँ पे मेरी दोस्त मिल चुकी है जानवी। तो ये जा रही थी, इसने कहा इधर पे आ जा, तो इसीलिए यहाँ आई। ये कभी कभी जाती रहती है कॉलेज। तो जानवी जी कुछ कहना चाहोगे आप? बस कॉलेज की सर सुनो रहे आज मैं। दोस्तों पहले ही गाड़ी हमें पूरे 1-2 घंटे लेट मिली थी और 8:30 बजे जाने वाली बस आज नहीं आई थी, वो आई बहुत लेट में 9 बजे समथिंग। और दूसरी बात, यहाँ पर लग चुका था जाम जिसमें हम रुके हुए थे और ये जाम बहुत पहले से लगा हुआ था, पर हमारे जाने के 10-20 मिनट तक भी ये जाम लगा रहा और फाइनली ये जाम खुल जाएगा। और मेरी शक्ल पर देख सकते हो 12 बज चुके हैं। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरी शक्ल के यही हाल होता है, तो क्या बोल सकती हूँ। और मेरे डार्क सर्कल सबसे पहले बाहर आ जाते हैं, मतलब इतने डार्क दिखने लगती हैं आँखें, क्या ही बोले। कहीं जाने लग जाओ तो डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं, ओ माई गॉड। और दोस्तों फाइनली पूरे 20 मिनट के बाद यहाँ पे जाम खुल चुका था और मैं यहाँ पे वॉइस इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि बस में ना गाने चल रहे थे जो कि बहुत ही भयंकर चल रहे थे, इस पर कॉफ़ी राइट आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी वॉइस नहीं बोली, मतलब ब्लॉगिंग नहीं की, इसीलिए अभी वॉइस डाल रही हूँ वीडियो में। तो चलिए गाइस, देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है, मतलब कितनी गाड़ियाँ थी, बहुत पहले से जाम लगा हुआ था यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मेरी दीदी जी आ चुकी है जो कि भाग गई, बाय बाय। तो हम कॉलेज में पहुँच चुके हैं और ये मेरी सानिया। तो सानिया दोस्तों, दिया मैडम पधार रही है। दिया हेलो करिए, सब भाग रहे थे, लेकर करा मेरा कैमरा ओपन। कैसा लग रहा है फाइनली? इधर का इधर का सानिया नहीं आई अभी। कुछ बोलना चाहोगे मैम? पहली बार फर्स्ट ईयर में फाइनली अभी आ रही तू। तू बता तुझे कैसे लग रहा? बहन इतना भी मत बोल यार। तो अभी दोस्तों हमारी क्लासेस हो चुकी है, यहाँ पर है ये दिव्या और ये है खुशू और ये है शालिनी, ये है जानवी।
तो अभी हम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मैम पूछने वाली ना, पर मीटिंग में चली गई, पता नहीं मैम आएगी नहीं आएगी। और ये रहा नीचे पे हमारी मंदाकिनी नदी का बहाव, और साले नहीं देखो पोज मारते हुए तो बना रही हूँ वीडियो। तो अभी दोस्तों क्लासेस पढ़ रही हैं, ये देखो ये रहा हमारा कॉलेज। तो अभी दोस्तों मुझे मिल चुकी है यहाँ पे सानिया मैडम। सानिया मैडम हेलो कर, चुपचाप तभी से हेलो। यहाँ पे साक्षी, तो यहाँ पे मुझे दिया जा रहा है मेरा सर्टिफिकेट नेचर गाइड, नहीं नेचर गाइड का ना, नेचर गाइड का। यहाँ 80% लेवल पर है, 75 एक दिन आई अटेंड, बहुत है इतना भी 75 आ गया, अच्छी बात है। थैंक यू मैम संभालने के लिए इतने दिनों तक, कुछ कहना चाहोगे आप? ओ कितना झूठ बोल रही, ये मुझे बल खबर देने के, खबर तो ऐसा है कि इसके पास अनु पे था वो, मैं लेके आई फिर तो अनु से, अनु को मैंने दिए थे। थैंक यू मैम। तू घर लेके गई? हाँ एक हफ्ते तक मेरे पास। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुंड में, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेली कॉलेज क्यों नहीं जाती क्यों नहीं जाती, तो यही रीज़न है कि मैं कॉलेज नहीं जाती। इतना सर दर्द, अलग मतलब बोले क्या, इतना दर्द हो रहा है ना सर में। और यहाँ पे कुंड में पहुंच चुके हैं, वो बस थी, बस में आई थी जो कि थी गुप्तकाशी की, यहाँ से केदारनाथ कौरीकुंड की लाइन, और अभी हमारी उखीमठ चुपता मरमेश्वर वैली की लाइन इधर है। तो इतना सर दर्द होता है ना, इसीलिए रेगुलर कॉलेज नहीं आते यार। अच्छे हमें बहुत दूर है, जो आसपास के बच्चे हैं उनके लिए सही है ना, हमारे लिए बहुत दूर है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है हमें। चलो अब घर चलते हैं, सुबह से मैंने अभी तो कुछ खाया भी नहीं, अभी हम घर जाके खाना खाना होगा। तो जानवी जी कुछ कहना चाहोगे? और मैं आप कहने कहा अब जानवी कहने की हालत में नहीं है। यहाँ से नीचे देखो, ये है हमारी मंदाकिनी नदी। तो अभी देखते हैं कब तक गाड़ी आती है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर। क्या हुआ? धुप हो गया मेरे बच्चों का, धुप हो गया। तो मेरा डुकू बिल्कुल फाइन है, मेरा शेर को। तो दोस्तों अभी घर पे आ चुकी हूँ, मुँह हाथ धो दिया है ठंडे पानी से, सर इतना गंदा घूम रहा है ना, बस यही रीज़न है यार कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाती हूँ। एक दिन में हालत इतनी गंदी हो जाती है। तो सुबह को देखो मैं खाना खा के नहीं जाती हूँ, क्योंकि सुबह गाड़ी में बैठना होता तो तबीयत ख़राब होती है मेरी, इसलिए मैं सुबह गाड़ी में बैठने के कारण खाना नहीं खाती हूँ। और अब जाके कितना हो रहा टाइम, 2:03 तो अब जाके खाना खाऊंगी मैं। तो दोस्तों जब तक तो कोई आ गया तो मुझ पर देख रहे थे इसलिए मैं अंदर भाग गई। तो 3:15 हो गए, मतलब 3:30 हो गया है। तो सुबह से अब जाएगा मेरे पेट में खाने करने वाला। और गर्मियों के टाइम पे पता क्या होता है, गाड़ियों में इतनी गर्मी होती है ना, इतनी तबीयत ख़राब होती है, इसीलिए मैं नहीं जाती यार रेगुलर। एक ही दिन में मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, दूसरे दिन मैं जाने लायक नहीं रहती हूँ। तो अभी खाना खा लेती हूँ। तो सूर्यास्त भी हो चुका है, और मतलब सूर्य भगवान जी सूर्यास्त हो चुका है। तो अभी उसके बाद थोड़ा सा लेटी भी गया, जैसे नींद आ रही मेरी मम्मी मुझे डिस्टर्ब कर रही, सुन कपड़ी मन होता क्या ही बोलूं। अभी सर में अभी भी दर्द हो ही रहा है, मेरा सर घूम रहा है, पता नहीं ये दर्द कब तक होगा। अब रात को सोऊंगी तब जाके सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो डुगू ना इतना गंदा है, पता नहीं उसको कमरे में बांधा था मैं ना, बाहर कैसे पता चल जाता कि उसके दोस्त आ गए, इतने तेज से रो रहा है, मुझे खेले। मैंने नहीं खोला, देख मैं ले जाऊँगी तुझे घुमाने के लिए। और दोस्तों ना इसके नाक से फाइनली जोक निकल चुका है, इतना बड़ा था यहाँ नीचे पे मर गया होगा, उधर नीचे पे। अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियो भी देखी होगी तो उतना ही बड़ा था, वो भी देख सकते हो। हमारा घर, हमारा डुगु हेलो करो, हे हेलो करो, यो मेरा बच्चा, फिर से करो, हेलो करो, हेलो कर, एक बार यह हो गया, हेलो कर बोला जब, गुड। चीटिंग करती हूँ मैं, नहीं घुमाने ले जाऊँगी थोड़ी देर मिल जाऊँगी, बट यार इतनी बीमारियाँ लेके आ रहा ना, बता नहीं सकती हूँ, नाक में जो अलग घुसा रहा है, बीमारी अलग ला रहा है, इसलिए सुबह से मैं ही ले जाऊँगी तुझे घुमाने बस। तो अभी देखो सूर्यास्त हो चुका, पर ऊपर ना अभी मार्केट में थोड़ा धूप है। आज ना कॉलेज अलका नहीं आई थी तो अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसे हो गया ना कॉलेज, अब उसकी तो छुट्टी थी नहीं, मेरी छुट्टी थी तो मैं तो चली गई। अगर वो रहती तो इतने सर दर्द भी ना होता, क्योंकि
उसके बाद हम कुछ ना कुछ खाने चले जाते हैं। फिर अकेला खाने का मन भी नहीं करता है यार, दोस्तों के साथ मज़ा आता है। दोस्त कौन, आई नो और दोस्त थे, बट अलका के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। फिर यहाँ से तो अलका जानवी थी, बट अपना एक सर्कल होता है ना, अपनी वाइब मिलनी चाहिए जो जो कि अलका से वाइब मिलती है। तो अभी अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, टोपी पहन लेती हूँ सर में। नहीं खाता कि नहीं खाता, अभी डूबो बोलेगा मेरे को नहीं दिया। प्यारा सा टफी है जिसके पाँव पर लग चुकी है, और ये 4-5 दिन से गायब था, अब फाइनली घर भी आ गया है, पर इसके पाँव पर पता नहीं किसने मारा। कैसे लोग होते हैं यार, या कुछ नहीं जा मेरे पास। तो अब मैं जा रही हूँ अपने डुग्गू को अपने प्यारे से बच्चे को घुमाने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूँगी जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।